सभी तीनों पार्लियामेंट्री काउंसिल्स में सभी पोलिंग पार्टी अरेव हो गया, उसका मशीन स्क्रूटनी होकर सील हो चुका है सब जगह पर। अभी वो वहाँ पर भी काउंटिंग का प्रक्रिया के लिए तैयार है। सेवेंथ फेज में ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज 70.88 फाइनल इनकोर में एंट्री हो चुका है। सेवेंथ फेज में फाइनल वोटिंग परसेंटेज 70.88 आपका राजमहल का है 70.78, दुमका 73.87, गोड्डा 68.63। ये फाइनल वोटर टर्नआउट है, इसका एंट्री होगी इलेक्शन का। इसमें हम लोग का ये पूरा झारखंड का ओवरऑल देखेंगे, अभी तक है 66.19। इसके साथ में वो पोस्ट बैंक कार्ड किया जाएगी ऑन द डे ऑफ काउंटिंग, उस हिसाब से फाइनल होगी। डेटा में आपके पास शेयर करेंगे। इसमें झारखंड में देखेंगे 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका 2019 से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, फिर 6 में कम हुई थी। कम होने के लिए सभी असेंबली सेगमेंट सब कुछ है, बहुत ज़्यादा तरफ से वो नॉर्दर्न बेल्ट है, कहाँ पर आपका बिहार राज्य के साथ में छटा हुआ वहाँ पर कम वोटिंग हुई थी। उसमें वो भी कंपेयर करने के समय उसी राज्य का देखने के समय में झारखंड में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बेटर हुआ उसी का। इसमें आपका वो पड़मू चतरा असारीबाग कोडरमा इसी बेल्ट में ज़्यादा गाँव कम हुई थी। इसमें असेंबली सेगमेंट वाइज देखेंगे, मतलब 13 असेंबली सेगमेंट में केवल मेल वोटर्स ज़्यादा है, बाकी 68 में फीमेल वोटर्स का ज़्यादा है। मतलब आपका 81 असेंबली सेगमेंट में 68 असेंबली सेगमेंट में फीमेल वोटिंग ज़्यादा है। आपका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी देखेंगे वहाँ पर 14 में 12 में फीमेल वोटिंग ज़्यादा है, 2 केवल रांची जमशेदपुर, यहीं पर आपका मेल वोटिंग ज़्यादा, वो भी बहुत कम मैंने परसेंटेज। ये फीमेल वोटिंग ज़्यादा होने के कारण उनका टर्न आउट भी हो जाते हैं, उसके साथ में मेल माइग्रेशन भी वो शो कर रही है, उसका सर्वे भी की गई थी, असेसमेंट की गई थी, इस कारण से उनका वोटिंग का बाहर का उसको। अभी काउंटिंग के लिए सभी जहाँ पर 14 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में तैयारी चल रही है उसका, कल एक फाइनल हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, बाकी वो उन लोग सुबह 8 बजे 4 तारीख 8 बजे शुरू करेंगे। पहले आधा घंटा पोलिंग पोस्ट बैलेट काउंटिंग होगी, उसके बाद ये काउंटिंग शुरू होगी। अधिकतम हम लोग के पास 29 राउंड ऑफ काउंटिंग है कुछ असेंबली सेगमेंट में, बाकी सब उसका नीचे है। हम लोग उम्मीद करते हैं वो आपका वो 4 बजे तक शाम को वो काउंटिंग प्रोसेस भी कम्प्लीट होगी। रुझान डिक्लेयर होने के बाद तुम्हें आपके पास राउंड देते जाएंगे, उसमें आपका मोटा मोटी आपका 9-9:15 के आसपास में फर्स्ट राउंड में डिक्लेयर करेंगे हम लोग को। आपके प्रत्येक जिला पर भी आपका मीडिया सेंटर में वो डिक्लेयर करते जाएंगे, एक एक राउंड कम्प्लीट होने के बाद भी हम लोग यहाँ पर भी उसका प्राप्त करके आप लोग के पास शेयर कर देंगे। मोटा मोटी 9 बजे के बाद आपका ट्रेंड दिखना शुरू होगी, आपका सब फर्स्ट राउंड 8:30 बजे तक के सब काउंटिंग शुरू होगा। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होके वो डिक्लेयर करने के 9 बजे के आसपास फर्स्ट राउंड का रिपोर्ट आएगी, उसके बाद 20 मिनट का एक राउंड का रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब काउंटिंग राउंड का वोटिंग काउंट कर। कुछ आरोप लग रहे हैं सर, क्या आरोप? 17C फॉर्म बहुत जगह पोलिंग एजेंट को दिया नहीं गया है, लीक के दिया गया है, डेटा बनी गई थी उसमें बहुत जगह पर आ रहा उनका पास भी, वो भी लिस्ट पूरा कंसल्टेंट लिस्ट भी दे दिया उसको, वो सार्वजनिक करना है उसका कंसल्टेट कर देना, वो कमीशन निर्देश है, वो उसका निर्देश करना है। काउंटिंग ऑनलाइन दिखेगी क्या? हाँ, वोटर टर्नआउट आपको दिखेगी आपका ईआरओ नेट का भी वो दिख रही है, उसमें आपका आनंद में दिखेगी उसमें।
फिर भी वो थोड़ा सा टाइम लग रहेगी, एक बार वो डिक्लेयर करके फिर वहां पर एंट्री करने में थोड़ा सा टाइम लग जाती है, इसलिए पहले आपके पास वो काउंटिंग सेंटर में डिक्लेरेशन होगा, वो जल्दी होगी, उसके बाद वो छुट्टी करके एक ईयर में एंट्री कर सकते फिर दो ड्राइवर का है मतलब फोर डे उसके लेकर एक ट्रेनिंग आने वाला केस है, एक पड़ोस मेरे पास छह केस है, मैं अभी कंसल्टेंट हम लोग का सेवंथ को दे चाहिए मतलब मैं कल आपका निकाल कर दे देंगे फिर वो पोर्टल में नंबर दे दो। उसमें पुलिसकर्मी का तीन है, एक पोलिंग बटी वहाँ पर था, फिर ड्राइवर दो, वो छः केस जान रहा है उसको बाकी भी करना कहीं बूथ पर रिपोर्ट पर रिपोर्ट भी चल जाएगी कहाँ पर भी रिपोर्ट का रिपोर्ट वापिस में जाकर में होगा भी नहीं, यहाँ पर सिस्टम डेवलप हो गया रिपोर्ट का भी आवश्यक नहीं पड़ेगा, बिना डायरी का आपका मेटेरियल रिसीविंग नहीं होती, इसलिए उसका डाउट नहीं उठते उसको, फिर भी कितना भी प्रेसिडिंग ऑफिसर का डायरी है वो जनरल ऑब्जर्वर के सामने रखा जाता। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK News Network को, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।